नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित कैच द रेन प्रोग्राम की बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में नेहरू युवा केंद्र की सीमा पांडे सहित युवक मंगल दल के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में बरसात के पानी के संरक्षण के साथ पानी की बर्बादी रोके जाने पर चर्चा की गई। इस मौके पर कैच द रेन पर आधारित पोस्टर भी लॉन्च किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नेहरू युवा केंद्र की सीमा पांडे ने कहा, यूज में पानी का यूज करते हैं उसको किस तरीके से सेव करेंगे, गांव को हम सेलेक्ट करेंगे, 10 ब्लॉक से मिला के 50 गांव सेलेक्ट करेंगे। आप लोग जो युवा मंडल बनाएंगे, अभी रिसेंटली से इन लोगों ने 7 ब्लॉक में युवा मंडल बनाया, उनके साथ आपको नुक्कड़ नाटक हो गया, क्विज कॉम्पिटिशन हो गया, दीवार लेखन हो गया, इन सारी चीजों से आप प्रभात फेरी निकल पाएंगे, रैली निकल पाएंगे, इनसे लोगों को जागरूक करेंगे कि वो कैसे अपने डेली यूज में पानी को बचाए। जो मंत्रालय का 623 जिलों को आपको मिला है उसमें से गोरखपुर, तो किस तरीके से हम पानी को सेव करेंगे इसके लिए आप जाएंगे, जन जागरूकता फैलाएंगे। सर यही हमारा ऑब्जेक्टिव था, इसके लिए हमें पोस्टर अनवील करना लेकिन जो हमें ध्यान देना है, एक तो पानी का दुरुपयोग, पानी में जो प्रदूषण हो जाता है, और जो आपने गांव में देखा होगा पानी की निकासी जो है, उस चीज़ों में आप अपने आइडियाज दीजिए, सजेशन दीजिए कि किस तरह से गांव में जैसे पानी जमा हो जाता है उसके बाद अच्छा जेई एएस इसमें कोई आइडिया दे सकता है। इवन जो स्कूल है, स्कूल में क्या पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, पहले वो चेक करना है, साफ पानी। भारत सरकार का हर घर जल स्कीम आई है, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के प्रचार प्रसार करिए, गांव में भी हमारी टीम जा रही है, वहां पे लोग जब पानी की टैंकी बनाने के लिए जगह चिन्हित कर रहे हैं तो बना रही है। देखिए अगर हर घर में टैप वाटर या नल से पानी पहुंचेगा, मेरे ख्याल से हमारी बहुत सारी समस्याएं कहीं भी है गंभीर होती रहेगी। दूसरा, जैसे पानी की मिलावट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एक जगह हम पानी को साफ करना आसान रहता है, टैंकी में डाल के डिसइंफेक्टेड किया जा सकता है, तो इसको ये फायदा बहुत ज्यादा है। बहुत सारे जो हमारे लड़ाई झगड़े हैं वो सब इससे हो जाएंगे, क्योंकि पानी एक टाइम पे आएगा तो पानी वेस्ट भी कम। अगर आप देखोगे पानी सिर्फ अगर 2 दिन आ रहा है या 24 घंटे आ रहा है, 24 घंटे में अगर नल खोल के छोड़ देता है तो चलता रहे, आपने अपना समय कराया तो लगाएगा और चलता रहे, इसीलिए पानी जमा हो जाता है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, नालियों में सारा कंजे हो जाता है, सब कुछ उठा होता है। ये जो हर घर जल योजना है ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, 2022 तक इसको कम्प्लीट भी करना था। आप इनसे फीडबैक ले जा सकते हैं कि किस तरह से जो सरकार की योजना है जिसमें क्या क्या और करना चाहिए। जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कन्या हुई है, सबको एक स्टेज बाई स्टेज सरकार की तरफ से डायरेक्ट खातों में पैसा आएगा, ग्रेजुएशन तक। लेकिन जो आपने कहा प्रचार प्रसार करते हैं, इस योजना को एक योजना दे दीजिए आप या 2 दे दीजिए आप, लेकिन उसको टॉप पे ला सबको दीजिए, आयुष्मान योजना और कन्या सुमंगला योजना। और नोट करिए, आप करना आज के मिनट से रिकॉर्ड करिए कि कन्या सुमंगला योजना का डेटा लोगे आप डीडीओ से, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, और उनको आपको बुलाएंगे, इन सबको दोगे आपकी जो सबसे फॉर्म बना सकते हैं, यहाँ जो बच्चे हैं उसको ये लोग पहले इनको समझ लीजिए, इनके साथ इनको सिखा देंगे। सीमा पांडे, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर, नेहरू युवा केंद्र, गोरखपुर। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से नेहरू युवा केंद्र संगठन को ये कैच द रेन का प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें हम वर्षा के जल को कैसे संचय कर सकते हैं, इसके लिए हम अपने वॉलेंटियर के माध्यम से, यूथ क्लब के माध्यम से और डिफरेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे, और साथ ही दीवार लेखन, नुक्कड़ नाटक, क्विज कॉम्पिटिशन, इन तरीके के माध्यम के साथ हम जन जागरूकता फैलाएंगे कि कैसे हम जब वर्षा के जल को संचय करें और कैसे हम पानी के दुरुपयोग को कम करें। सर, इसके लिए संसाधन की भी आवश्यकता पड़ेगी आपको, जगह जगह गड्ढे भी बनवाने पड़ेंगे, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? इसके साथ हम दूसरे एजेंसी के साथ कोऑपरेट करेंगे, और किस तरीके से हम जैसे जल के निकासी को हो गया और वर्षा के जल को हम कैसे संचय करेंगे, कैसे पानी के दुरुपयोग हो रहे हैं उसका हम बचाव करेंगे, इसके साथ हम एजेंसी से कोऑपरेट करेंगे।